तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीरू के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी IPL 2024 का स्क्वाड कंपोजिशन करेंगे। तो आगामी IPL 2024 सीजन के लिए सभी टीम एक्साइटमेंट है और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस सीजन के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर आ रही है जिसमें अनुभवी खिलाड़ी युवा खिलाड़ी दोनों शामिल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि विकेट कीपर्स है। तो दोस्तों RCB की टीम इस बार IPL 2024 में दो विकेट कीपर्स बल्लेबाज के साथ आपको इस टूर्नामेंट में नजर आने वाले हैं, जो कि पहली प्लेयर है अनुज रावत है, वहीं दूसरी प्लेयर दिनेश कार्तिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बैट्समैन। तो दोस्तों आरसीबी की टीम शुरू से ही अपने बल्लेबाजी के लिए आईपीएल में प्रसिद्ध है, जहां एक वक्त इस टीम में क्रिस गेल खेल रहे थे, अभी डिविलियर्स है, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी इस टीम की बल्लेबाजी की कमान संभाल कर रखे। तो वहीं आज के समय में इस टीम में विराट कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसी जैसे खिलाड़ी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली प्लेयर की बात करूं जो कि फैफ डुप्लेसी से विराट कोहली है, रजत पटीदार है, सुहास प्रभुदेसाई है, सौरभ चौहान है, महिपाल लोमरर, ग्लेन मैक्सवेल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑलराउंडर है। तो आपको आरसीबी के टीम में काफ़ी सारे ऑलराउंडर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि मनोज भागदेज है, टॉम करन है, स्वप्निल सिंह है, विल जैक है, कैमरून ग्रीन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पिनर्स है। तो आरसीबी के टीम में आपको स्पिनर्स की कमी भी नहीं दिखेगी, जो कि करण शर्मा है, मयंक डगर है, हिमांशु शर्मा है, विजय कुमार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फास्ट बॉलर है। तो दोस्तों आपको आरसीबी के टीम में फास्ट बॉलर भी आपको काफ़ी सारे दिख सकते हैं, जो कि आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, राजन कुमार है, ऋषि टोपली, अल्जारी जोसेफ है, लॉकी फर्गुसन है और यश दयाल है। बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखते हैं। पहली प्लेयर की बात करें जो कि फैफ डुप्लेसिस है, आरसीबी के कप्तान यानी फैफ डुप्लेसिस, जो कि IPL में आरसीबी की टीम के लिए एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के तौर पर उभर कर आए। साउथ अफ्रीका के इस धाकर ओपनर ने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी की डोर काफ़ी अच्छे तरह से संभाल रखी है। ओपनिंग करते हुए फैफ डुप्लेसिस टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, अपनी टीम को पावर प्ले में एक अच्छा स्कोर प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करें जो कि विराट कोहली है, भारतीय क्रिकेट टीम के रन स्थानीय विराट यानी मशीन विराट कोहली आरसीबी की टीम काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक छोर से काफ़ी लंबे वक्त अपनी टीम की बागडोर संभाल के रखे। उनके बल्लेबाजी व टीम को एक बेहतर परफॉर्मेंस स्टार्ट देती है, एक छोर से विकेट बचाकर दूसरी छोर से काफ़ी अच्छे रन स्कोर भी करते हैं। तीसरी प्लेयर की बात करें जो कि रजत पटीदार, रजत ने पहले IPL 2021 में आरसीबी का प्रतिनिधित्व किया था। सीजन में खेले गए 4 मैच में उन्होंने 71 रन बनाए। 28 वर्षीय बल्लेबाज अपने घरेलू अनुभव के दम पर आरसीबी के माध्यम को मजबूत कर देता है और टूर्नामेंट में टीम की लंबी उम्र और सफलता के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं चौथी प्लेयर की बात करें जो कि मैक्सवेल है, ग्लेन मैक्सवेल एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी जो इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं। वो अक्सर अपने बड़े बजट और बड़े मानक की खेल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर यानी आरसीबी के लिए टीम के लिए खेलते हुए काफ़ी सारे ताबड़तोड़ पारियां भी खेली, जिससे उनकी टीम को कम गेंदों में अच्छा स्कोर मिल जाता है। आगे बात करते हैं पांचवी प्लेयर जो कि लैमरोर है, महिपाल लैमरोर जो भारतीय क्रिकेटर है, वो इंडियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं। महिपाल लैमरोर जो आरसीबी के लिए खेला है, वह एक अच्छे बैट्समैन अच्छे फील्डर भी हैं, पहचान चुके हैं। उन्होंने अपनी योग्यता और प्रदर्शन में IPL में मान्यता प्राप्त की है। छवीं प्लेयर की बात करें जो कि दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक एक विकेट कीपिंग बैट्समैन जो अपनी प्रवृत्ति के लिए विकेट कीपिंग की कौशल के लिए जाने जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में दिनेश कार्तिक कई टीमों के लिए खेला है। वो आरसीबी के लिए खेलते हुए काफ़ी सारे मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए अपने दम पे मैच को जिता देते हैं। वहीं सातवीं प्लेयर की बात करें जो कि कैमरून ग्रीन है, कैमरून ग्रीन एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों के लिए जाने जाते हैं। वो अच्छा बॉलिंग के लिए फास्ट मीडियम पेस बॉलर है, वो बैटिंग के लिए भी काबिल, आरसीबी की टीम के लिए अच्छे ऑलराउंडर के लिए विकल्प है। वहीं आठवीं प्लेयर की बात करें जो कि करण शर्मा है, करण शर्मा आरसीबी की टीम के लिए एकमात्र मुख्य स्पिनर तौर पर इस टीम के लिए शामिल होंगे। युजवेंद्र चहल की आरसीबी की विदाई के बाद करण शर्मा एकमात्र स्पिन गेंदबाज जो भूमिका नजर आएंगे। वहीं नौवीं प्लेयर की बात करें जो कि मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज एक भारतीय क्रिकेटर जो इंडियन प्रीमियर लीग भी खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने बेंगलोर टीम कासिगो रवाया जैसे चैलेंजर को कहा जाता है और ये मोहम्मद सिराज एक फास्ट बॉलर भी है। अब आगे बात करते हैं दसवीं प्लेयर जो कि लॉकी फर्गुसन है, लॉकी फर्गुसन एक न्यूजीलैंड क्रिकेटर जो इंडियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, इस साल आरसीबी के लिए खेलने वाले हैं। तो एक फास्ट बॉलर है और अपनी गेंद से गेंदबाजी का हुनर दिखाएंगे। वहीं ग्यारहवीं प्लेयर की बात करें जो कि एक आकाशदीप है, आकाशदीप की बात करें जो कि आरसीबी टीम के उभरते हुए गेंदबाज, आकाशदीप एक युवा गेंदबाज है, टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को काफ़ी सारी सफलताएं मिडिल ऑर्डर में अपनी गेंदबाजी दिलाए। उनकी गेंदबाजी इस साल IPL 2024 में देखने लायक होगी, यहाँ पर जो मुख्य गेंदबाज के साथ अपने गेंदबाजी का वहाँ पर हुनर दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात कर लिया, आगे बढ़ते हैं चलते हैं IPL का खिताब कौन जीतता है, कौन टाइटल लेकर जाते हैं, क्या इस बार आरसीबी अपना यहाँ पे हुनर दिखाती है या नहीं दिखाती है। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।